नमस्कार, मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं इन खबर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के टेंगरा इलाके में शनिवार देर रात आग लग गई, जिसके बाद पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई। हैरानी की बात है, अब तक 15 से 20 घंटों के बावजूद भी इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जिसमें 15 घंटे बाद भी ऐसी भयानक लपटें और आसपास धुएं का माहौल है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, किस तरह आग फैक्ट्री के ऊपर लगी हुई है। बताया जा रहा है कि जिस फैक्ट्री में यह आग लगी है, उसमें चमड़े बनाने का काम किया जाता था और रैक्सिन कपड़े और अन्य ज्वलन पदार्थ होने के कारण आग अब तक यानी 15 घंटों तक बुझ नहीं पाई है। हैरानी की बात यह है, जब दमकल अधिकारी ने यह बात बताई कि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि फैक्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद है या मर चुका है। तो 15 घंटे बीत चुके हैं जब से यह आग लगी है, लेकिन अब तक फैक्ट्री के अंदर किसी भी व्यक्ति की होने की खबर या मरने की पुष्टि नहीं हुई है। लगातार दमकल विभाग आग बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक आग की लपटें शांत नहीं हुई है और आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर दमकल विभाग के अधिकारियों से बात की और जल्द आग पर काबू पाने की बात कही है, लेकिन अभी तक विभाग इस पर काबू नहीं पाया है क्योंकि फैक्ट्री में ज्वलन पदार्थ है जो कि लगातार जल रही है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के आसपास के इमारतों में भी आग अब फैलने लगी है और पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। आग बुझाने के कार्य में जुटे दो दमकल कर्मी कल से अब तक 15 घंटों में घायल हो चुके हैं और लगातार दमकल विभाग की 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है और आग पर अभी तक काबू पाया नहीं जा सका है। देश दुनिया की तमाम नई अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।